बिजनौर गिनेटौर में हैंडपंप से जहरीला पानी आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हैंडपंप से लगातार पीले रंग का पानी आ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय दुकानदारों व व्यापारियों ने नगर पालिका पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल नल को दुरुस्त कराने की मांग की है। दरअसल एक तरफ जहां कोरोना जैसी भयंकर गंभीर बीमारी से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे, कि डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। उधर इसी क्रम में बिजनौर के नेटोर नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। नेटोर के हल्दौर चौराहे पर खड़े हैंडपंप से जहरीला पानी आ रहा है। पानी में मिट्टी व पीले कलर के पानी से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय व्यापारी बालेश अग्रवाल ने बताया, एक साल से लगातार नेटोर नगर पालिका से शिकायत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन इसी नल के पानी को पीना पड़ता है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में गंभीर बीमारियों की आशंका बनी हुई है। लोगों में खौफ बरकरार। फिलहाल स्थानीय लोगों ने जल्द ही समस्या से निजात की मांग की। रिपोर्टर बीके राय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आप यहाँ नेटोर में रहते हैं, हल्दौर चौराहे में नल खड़ा है, पीला पानी आ रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? पीला पानी तो एक साल से आ रहा है, शिकायत करते करते हो गए इसके परेशान। इसका कोई अभी तक ना तो समाधान हुआ है। और भैया, शहर जितने भी हैं, आसपास के लोग हैं, सब पानी इसी नल का पी हुए हैं। और हिस्सा है कम से कम 500 मीटर दूर पर दूसरा नल, कोई अपनी दुकान छोड़ कर तो जाने का नहीं है। जाहिर सी बात है, तो सही हो गया तो सालू तोड़ कर फेंक दो। नहीं तो अब क्या इससे तो बीमारी का भी? हाँ, पक्की जब भी तो कह रहा मैं तोड़ कर फेंक दो, नहीं होता तो कुछ भी। एक बार खराब हुआ, 1000 रुपये दुकानदारों ने जमा करे तब जाकर सही हुआ। कोई कर्मी यहाँ आके यो नहीं कि करता ऐसे सही है। तो किसके लापरवाही मानता है? ये तो चेयरमैन की है, चेयरमैन की लापरवाही पक्की है। नहीं होने का तो मैं तोड़ दूंगा जी, पक्का कह रहा इसकी चैन। बालेश कुमार अग्रवाल नाम है मेरा। बालेश जी, आपकी दुकान के सामने नल खड़ा है जो सरकारी नल है, पीला पानी आ रहा है, जहरीला बोलते हैं, तो क्या कैसे? ये पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है। हमने पहले भी इसकी शिकायत करी है, कोई कार्यवाही इस पर नहीं हो पा रही है पानी पीने से, और लोग इसको बीमार पड़ रहे हैं। लिहाजा इस पानी, नल का पानी जो है ठीक कराया जाए, और जल्द से जल्द इस काम को कराने की व्यवस्था करें। क्या 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 खतरा है इससे? इससे बीमारी फैल रही, पीने का पीने लायक पानी नहीं है। ये चौराहे का नल है, मेन पब्लिक यहाँ पानी पीती है, सारी आके पानी पीती है, पानी पीने के लिए रह गया है, लेकिन इसका पानी जो है पीने लायक ही नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं? इसका पानी ठीक कराया जाए, या बोरिंग दोबारा कराया जाए, जो भी इसकी व्यवस्था है, तो जो भी होता हो उसको ठीक करा के दोबारा लगवाया जाए, या जैसे भी होता हो उसको ठीक कराया जाए पानी को, ताकि पब्लिक पानी पी सके, और काम जिस वजह से नल लगा है सब पानी आराम से सब पी सके।